नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है इस चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। देखिए, आप बहुत सारे मेडिसिन्स खाते हैं, इंसुलिन यूज़ करते हैं, परहेज़ करते हैं, फिर भी जो आपका शुगर है वो डिसबैलेंस हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी होम्योपैथी उस पे कैसा काम करती है, और कुछ होम रेमेडी जो आपको बहुत जल्दी आराम दे सकती हैं। याद रखिएगा, ये जो होम रेमेडी है ये आपके शुगर लेवल को कम करेगी, पर परमानेंट क्योर ये नहीं होता। वीडियो के स्टार्टिंग से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। देखिए, ब्लड शुगर लेवल जैसे कि आपको पता है ये ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जो ब्लड में शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता। कई बार आपने देखा है कि आपका शुगर लेवल कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका शुगर लेवल 125 mg है तो आप डायबिटिक हैं, या अगर आपका शुगर लेवल 100 से 125 mg है तो हम इसे प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। और इन पेशेंट्स में कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा परहेज करना है और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब हम जानते हैं वो कारण जिनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम डिसबैलेंस हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही। आप मेडिसिन ले रहे हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो स्टेरॉइड कंटेन करती हैं, और ये जो स्टेरॉइड बॉडी में एंटर करता है तो आपके ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इवन आपका जो इंसुलिन है उसको डिसबैलेंस कर देगा। तो इसीलिए जब जब आप स्टेरॉइड लेंगे तो आप चेक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये एक मेन कारण बनते हैं आपके डायबिटीज़ के। तीसरा आता है नींद। अगर आप पूरे तरीके से नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो होता है उसे अच्छे से आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, और इसी कारण आपकी बॉडी में ब्लड शुगर कंटेंट बढ़ता जाता है। एक कारण और होता है कि जब कभी हम टाइम पे खाना नहीं खाते। आपने देखा होगा कि अगर कभी हम जल्दी खा लेते हैं, कभी हम बाद में खाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये डिस्टर्ब होता है और ये एक दिक्कत देता है आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं लेकिन टाइम वाइज नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है जो बनती हैं, चीनी से मिठाई होती है, शरबत होती है, आपको आम नहीं लेना है, आपको अंगूर नहीं लेना है, आलू और चावल बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं। चावल अगर आपका बहुत डिज़ायर है तो हफ्ते में एक या दो बार यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आपको इसका सेवन नहीं करना है। अब बात आती है फिर हम खाएंगे क्या। देखिए, आप सेब ले सकते हैं, नारंगी या कोई भी विटामिन सी वाली जो खट्टे फल होते हैं आप उनका सेवन यूज़ कर सकते हैं। खट्टे से एक तो आपका इम्यून जो है वो डिसबैलेंस नहीं होगा, स्ट्रांग बनेगा। इसी के साथ साथ आपको ग्रीन वेजेस मतलब हरी सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो अच्छी मात्रा में खाना है ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की वीकनेस ना हो। चलिए अब बात करते हैं होम रेमेडीज की, जिसमें आपने बहुत ज्यादा यूज किया है बट स्टिल अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने मेथी के बारे में सुना होगा, तो आपको एक चम्मच मेथी लेना है एक ग्लास पानी में, उसको रात भर भिगो रहने दीजिए और सुबह आपको इसको पीना है और इसके बीज को खाना है। आपका जो शुगर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में होने लग जाएगा। इसे अगर आप भूल जा रहे हैं, सुबह नहीं पी पा रहे, तो रात को भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, सोने से लगभग एक घंटा पहले। दूसरा जो आता है वो होता है काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च जो है वो एक एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट होता है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। तो ये आपको एक छोटा चम्मच लेना है और थोड़ा सा हल्दी लेना है, इन दोनों को मिक्स करना है और इसे आपको लेना होगा, या तो डायरेक्ट फॉर्म में पानी के साथ भी ले सकते हैं। सुबह लेंगे खाली पेट तो रिजल्ट और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, दिन में केवल एक बार यूज़ करना है। तीसरा हमारा आ जाएगा दालचीनी। देखिए, दालचीनी जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आपको एक चम्मच दालचीनी लेना है, आधा चम्मच हल्दी लेना है और आधा ही चम्मच आपको मेथी का पाउडर लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, पानी में डालना है और हो सके तो इसका पूरा सेवन करिएगा। थोड़ा सा आपको तीखा लग सकता है, टेस्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप
शुगर फ्री एजेंट आते हैं, आप वो ड्रॉप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप चाय की तरह भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है आंवला। देखिए आंवला जो है वो मल्टीपल चीजों में यूज होता है। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, इम्यून स्ट्रांग करना है, तब भी इसको यूज किया जाता है। और इसकी एक चम्मच आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है, आपका जो शुगर है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएगा। फिफ्थ हमारा आता है अदरक। अदरक जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो आप इसे चाय के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर काढ़े के फॉर्म में ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अदरक आप बल्क में ना लें और केवल एक बार इसका यूज करें। ये थे कुछ होम रेमेडीज जो आपके अगर ब्लड शुगर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथी दवाओं पे कि होम्योपैथी दवा कैसे आपको आराम पहुंचाएगी। सबसे पहली मेडिसिन आती है हमारी इंसुलिनम। देखिए अगर आपका जो शुगर है वो डिस्टर्ब है और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके मेन कारण अगर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, तब आप इंसुलिनम यूज़ कर सकते हैं 3x पोटेंसी में, 30 की पोटेंसी में या फिर 200 की पोटेंसी में। और इसे आपको डेली नहीं लेना है, हफ्ते में केवल एक बार इसकी 2 बूंद का सेवन करना है। आपका अगर हॉर्मोन्स की वजह से शुगर इम्बैलेंस है तो ठीक हो जाएगा। सेकेंड मेडिसिन आती है हमारी जेम्बुलिनम। देखिए ये जो मेडिसिन है जो जामुन से बनती है बहुत फेमस है और ज़्यादातर सारे शुगर पेशेंट को ये दी जाती है, और इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में 1x की पोटेंसी में, इवन 6x की पोटेंसी में। अगर आपके यूरिन में शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो ये उसको रेगुलेट करके ठीक करता है। प्यास बहुत ज़्यादा है उसके साथ साथ यूरिन बहुत ज़्यादा ही आपको बार बार जाना पड़ता है, बल्क क्वांटिटी में है, तो आपको इसकी केवल 5 से 10 ड्रॉप लेनी है और ये हर 8 घंटे पे आपको लेना होगा आधे ग्लास पानी के साथ। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सिफ्लेंड्रा इंडिका, और इसे भी आपको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज करना है। अगर आपके हाथ और पैरों में बर्निंग सेंसेशन है, जलन महसूस हो रही है और उसके साथ ही साथ अगर आपको पित्त की दिक्कत है, तो आपको इसकी 5 बूंद लेनी है आधे ग्लास पानी में और दिन में 3 बार इसका यूज करना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक ब्रोमाइड। इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज करना है और इसकी 3 बूंद आपको 1 ग्लास पानी में लेना है, और इस 1 ग्लास पानी को दिन में आपको 3 बार यूज करना है थोड़े थोड़े अमाउंट में। अगर आपको लगता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वीकनेस है, तब आपको इसको हफ्ते भर लगातार यूज़ करना है, और जैसे ही आपको लगे कि अब यूरिन में शुगर कंटेंट कम हो गया है तो आप इसे 2 बार कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। देखिए आप इसको 2x की पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और 30 की पोटेंसी में भी, और ये उन पेशेंट में ज्यादा इफेक्टिव होती है जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है या मैं कहूँ बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और उनका जो पेट है वो हमेशा फूला रहता है, वो गैस से या फिर उनको GIT की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसी के साथ जो उनकी जीभ है वहां पे ड्राइनेस बहुत होती है, स्पेशली जब वो सुबह उठते हैं, तब आपको इसे 2x या फिर 30 की पोटेंसी में यूज करना है, 2 बूंद दिन में केवल 1 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है फॉस्फोरिक एसिड। इसको आप मदर टिंचर के फॉर्म में यूज करेंगे तो 5 बूंद, लेकिन अगर 1x की पोटेंसी में यूज करेंगे तो सिर्फ 2 बूंद लेना है दिन में 3 बार, और ये उन पेशेंट पे ज्यादा इफेक्टिव होती है जो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं या फिर मैं कहूँ जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और इन सारे कारणों की वजह से उनका जो शुगर है वो डिसबैलेंस हो रहा है। ये जो पेशेंट होते हैं उनको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और देखा जाता है कि वीकनेस वो किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो या फिर सेक्सुअल वीकनेस भी है, तब भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। देखिए नेट्रम्यूर आपको 3x पोटेंसी में यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, इसी के साथ साथ अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, स्किन में ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और स्पेशली जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं तब जलन होती है और उसके बाद उस एरिया में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तब आपको नेट्रम्यूर यूज करना है, और ये 3x पोटेंसी में यूज कीजिएगा, बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा और केवल दिन में 2 बार इसे यूज करना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ। ये 6x में यूज कर सकते हैं, इसकी डाइल्यूशंस भी आती है और इसके पेटेंट
नेक्स्ट हमारा आता है नेट्रम सल्फ। और अगर आपको लगता है कि आप यूरिन पास कर रहे हैं, वो यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कलर का है या वो स्टेन छोड़ देता है आपके पॉट पे, उसी के साथ साथ जितनी भी कंप्लेन है, भले वो स्किन की हो या पेन की हो, वो डैम्पनेस में यानी सिलन में बढ़ जाती है। और रेनी वेदर मतलब बारिशों में अगर आपकी दिक्कत बढ़ जा रही है, मेन है अगर नमी है आपकी दिक्कत, कोई भी कंप्लेन है, स्किन की प्रॉब्लम है, पेन की प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, ये सारी कंप्लेन अगर आपकी बढ़ती है, तब आपको इसको यूज़ करना है नेट्रम सल्फ को। और ये यूज़ करना होगा 6x की पोटेंसी में, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और इसको आपको दिन में दो बार यूज़ करना है। देखिए जितनी भी मेडिसिन है वो आपके सिम्टम वाइज, अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। इसी के साथ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।